Everyone, I am Mr. Vaibhav Titirmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. And today's topic for discussion is carburizing, nitriding and cyaniding. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about surface hardening processes, that is flame hardening and induction hardening. I hope you are gone through the notes and prepare this topic very well. The learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with neat sketches the working principle of given heat treatment process. Suggest the relevant heat treatment process for the given situation with a justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us start with our first topic, that is carburizing. Here, in the topic itself, there is a word carbon. तो जब हम किसी स्टील के सरफेस के ऊपर या सरफेस के लेयर के ऊपर अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, कार्बन का कंटेंट बढ़ाते हैं, तो जिस प्रोसेस से हम स्टील के ऊपरी पोर्शन के ऊपर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, उस सरफेस हीट ट्रीटमेंट मेथड को हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। तो जैसे हमें पता है कि किसी स्टील के अंदर जो कार्बन रहता है, उससे हम उस स्टील की हार्डनेस बढ़ाते हैं। तो प्लेन कार्बन जो स्टील होती है, उसमें ऑलरेडी कार्बन की जो परसेंटेज है वो कम रहती है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से उसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट है जैसे कि आपको फिगर्स में दिख रहा है, जैसे गियर्स हो गए या क्लच पेट्स हो गए, जिनका हमें आउटर सरफेस बहुत हार्ड रहना चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपरी सरफेस के ऊपर का कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो उस मेथड को हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये मेथड, ये प्रोसेस कैसे करते हैं। सो कार्बोराइजिंग इज कैरिड आउट ऑन ए स्टील कंटेनिंग कार्बन लेस देन 0.2%। तो ऐसे स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.2% से कम है, उस पे हम कार्बोराइजिंग ये प्रोसेस कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट ऑफ ए सरफेस लेयर अप टू 0.7 to 0.8%। इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड विथ अ कार्बनेसियस मटेरियल। कार्बनेसियस मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, फ्रॉम विच इट एब्सॉर्ब द कार्बन। तो हम क्या करते हैं, एक स्टील को कंपोनेंट रख देते हैं और इसके आजू बाजू में कार्बन के कंपोनेंट रख देते हैं। तो ये जो स्टील का कंपोनेंट है, यहाँ से कार्बन एब्सॉर्ब करता है। मोस्टली यूज फॉर सिक्योरिंग हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस सरफेस विद अ टफ कोर। ये काई के लिए करते हैं हम, हार्ड और वेयर रेजिस्टेंस सरफेस के लिए, और उसका जो कोर है वो कैसा चाहिए हमें, टफ चाहिए। कार्बोराइजिंग इज यूज फॉर गियर्स, कैम्स, बियरिंग्स एंड क्लच प्लेट्स, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, बराबर है, वह कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कार्बोराइजिंग के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। उनमें से हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज पैक और सॉलिड कार्बोराइजिंग। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंपोनेंट है ये कार्बोराइजिंग मीडियम के साथ हम पैक कर देते हैं। कार्बोराइजिंग मीडियम में क्या रहता है, उसमें 80% जो रहता है कार्बोराइजिंग मिक्सचर में, वो रहता है चारकोल विद 20% एनर्जाइजर, दैट इज बेरियम कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोराइजिंग मिक्सचर है, आपने ध्यान में रखना है, कार्बोराइजिंग मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ चारकोल एंड बेरियम कार्बोनेट, जिसमें चारकोल की मात्रा 80% रहेगी और बेरियम कार्बोनेट की मात्रा 20% रहेगी। तो स्टील को इस मिक्सचर के साथ पैक किया जाता है। फिर द
बॉक्स इज प्लेस्ड इन अ फर्नास, उसको हम फर्नास में रखते हैं और हीटेड टू ए टेम्परेचर 875 टू 925 डिग्री सेंटीग्रेड, 875 से लेकर 925 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उस बॉक्स को हीट करते हैं फर्नास के अंदर। पार्ट्स मेंटेन एट दिस टेम्परेचर, उनको उसी टेम्परेचर पे रखते हैं अंटिल द डिजायर्ड डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन इज ऑब्टेंड। जो भी पेनेट्रेशन की डेप्थ है वो हम 1 mm से 2 mm तक रख सकते हैं और जो कार्बोराइजिंग का जो टाइमिंग है ये 8 से लेकर 15 घंटों तक अपन रख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि ये बहुत चीप प्रोसेस है और इसका जो केस ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं आता है और पुअर सरफेस फिनिश इसमें आते हैं, तो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज पैक कार्बोराइजिंग इज कंसर्न। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास फर्नास है, बॉक्स टाइप फर्नास, उसके अंदर हमने एक स्टील के कंपोनेंट को रखा है और उसके आजू बाजू में हमने कार्बोराइजिंग मिक्सचर को रखा हुआ है और फर्नास के अंदर हम उनको हीट कर रहे हैं और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज हो गया है और उसमें का जो कार्बन है ये स्टील के कंपोनेंट के ऊपर जाके बैठ गया है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि वो जो स्टील के ऊपरी सरफेस के ऊपर कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और जो स्टील का कंपोनेंट है वो हार्ड हो जाएगा, उसका सरफेस हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पैक कार्बोराइजिंग की जो प्रोसेस है वो स्टील के ऊपर हार्डनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। तो दूसरी कार्बोराइजिंग की जो मेथड होती है उसका नाम है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो देखते लिक्विड कार्बोराइजिंग ये प्रोसेस कैसे की जाती है। तो इसका जो दूसरा नाम है इट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज साल्ट बाथ कार्बोराइजिंग, इसका दूसरा नाम है साल्ट बाथ कार्बोराइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट है स्टील का हम मोल्टन साइनाइट में रख देते हैं, मोल्टन साइनाइट में हम रख देते हैं और फर्नास के अंदर हम उसको हीट करते हैं, हीटेड बाय ऑयल और गैस, फर्नास के अंदर हम उसको हीट करते हैं। तो जो भी ये जो फर्नास है या ये जो चेंबर है, हम क्या करते हैं जो स्टील का कंपोनेंट है इसके अंदर मोल्टन साइनाइड भरा हुआ रहेगा और मोल्टन साइनाइड के अंदर उस स्टील के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, हम इमर्स कर देते हैं और फर्नास में उसको हम हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर तक हम उसको हीट करते हैं, 815 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, 815 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बाथ फर्नास इज कवर्ड विद अ ग्राफाइट, जो बाथ फर्नास रहते हैं उसे हम ग्राफाइट और कोल से कवर्ड करते हैं, काहे के लिए, टू रिड्यूस द रेडिएशन लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस में होने चाहिए करके, और एक्सेस डीकम्पोजिशन ऑफ द साइनाइट, है ना, साइनाइट का कंपोजिशन एक्सेस होना चाहिए इसलिए हम उसको ग्राफाइट और कोल से कवर करते हैं। इसका एक एडवांटेज है कि जो भी कार्बोराइज मटेरियल की जो लेयर है, जो कार्बन की लेयर है, वो हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलती है। बस एक इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि साइनाइड बहुत ज़्यादा पॉइजनियस होता है, इसलिए जब भी हम ये लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड कार्बोराइजिंग। द नेक्स्ट कार्बोराइजिंग मेथड इज गैस कार्बोराइजिंग। तो गैस कार्बोराइजिंग का एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। जो गैस कार्बोराइजिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसके वजह से हम इसको मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इट इज एडेप्टेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टील पार्ट्स, कोई भी इंटीग्रेट शेप के या सिंपल भी पार्ट्स रहेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट्स रहेंगे, तो उनके लिए हम गैस कार्बोराइजिंग ये मेथड है वो यूज करते हैं। द कार्बोराइजिंग मीडियम इज गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो गैस कार्बोराइजिंग में जो कार्बोराइजिंग मीडियम रहेगा वो गैसियस हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, सच एज मीथेन और प्रोपेन, है ना, मीथेन या प्रोपेन डाइल्यूटेड विद कैरियर गैस, ये डाइल्यूट किया जाता है दूसरे कैरियर गैस में। गैस कार्बोराइजिंग इज कैरिड आउट इन द एयर टाइट फर्नास में हम इसको कैरी आउट करते हैं। द फर्नास इज इनिशियली पर्ज विथ अ कैरियर गैस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ CO, N2 एंड H2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। द फर्नास ऑपरेट एट द कार्बोराइजिंग टेम्परेचर ऑफ 930 डिग्री सेंटीग्रेड। वेन मटेरियल रीचेज द कार्बोराइजिंग टेम्परेचर, प्रोपेन और मीथेन इज एडेड
टू मेंटेन अ स्पेसिफिक कार्बन पोटेंशियल। जैसे ही उस मटेरियल ने कार्बोराइजिंग टेम्परेचर को अचीव कर लिया है तो हम क्या करते हैं, प्रोपेन और मीथेन को वहाँ पे ऐड कर देते हैं। कहाँ पे ऐड करेंगे, कैरियर गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसके कुछ मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस है, उनमें से कुछ है उसको टाइम बहुत कम लगता है, इसमें जो फिनिशिंग आती है बेटर सरफेस फिनिश, और यहाँ पे हमें स्किल ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपने एक ही ध्यान में रखना है कि गैस कार्बोराइजिंग में गैसेस हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं, जिसमें मीथेन और प्रोपेन को हम यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस और केस हार्डनिंग प्रोसेस इज नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग में हम क्या करते हैं, नाइट्राइडिंग का नाम में लिखा हुआ है कि हम स्टील के सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन, स्टील के सरफेस के ऊपर किसकी मात्रा बढ़ाते हैं, हम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसके कारण स्टील के सरफेस के ऊपर नाइट्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और नाइट्राइड्स बहुत हार्ड होते हैं, उसके कारण स्टील का जो लेयर है, ऊपरी लेयर या सरफेस है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो रहता है वह अमोनिया में सबसे ज़्यादा रहता है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला है NH3। तो हम नाइट्राइडिंग प्रोसेस में अमोनिया को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं नाइट्राइडिंग जो प्रोसेस है वह हम कैसे कैरीड आउट करते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बराबर है, इस डायग्राम में आपको एक स्टील का कंपोनेंट दिख रहा होगा और अमोनिया को हम यहाँ से इनलेट और आउटलेट देख रहे हैं, बराबर है। तो अमोनिया का यूज करके हम नाइट्राइडिंग ये प्रोसेस कैरीड आउट करते हैं। सो नाइट्राइडिंग इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इन टू द प्रोडक्ट टू फॉर्म ए नाइट्राइड्स, रिजल्टिंग नाइट्राइड्स केस कैन बी हार्डर देन द कार्बोराइज स्टील। तो नाइट्राइडिंग में जो सरफेस हमें हार्ड मिलेगा वो कार्बोराइज स्टील से ज्यादा रहता है। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर अलॉय स्टील, किसके लिए हम यूज करेंगे, अलॉय स्टील के लिए, कंटेनिंग अलॉयिंग एलिमेंट सच एज एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। ओके, नाइट्राइडिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए कंपोनेंट टू ए टेम्परेचर अबाउट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग टेम्परेचर यहाँ पे रखते हैं। थ्रू द रिटॉर्ट द अमोनिया गैस इज अलॉयड टू सर्कुलेट, है ना, इस चेंबर में हम अमोनिया गैस को सर्कुलेट करते हैं। एट दिस टेम्परेचर द अमोनिया डिसोसिएट्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, ट्वाइस NH3 है ना डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे हमें दो नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के हमें एटम्स मिलते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन स्टील के कंपोनेंट के लेयर के ऊपर जाके बैठ जाता है, वहाँ पे नाइट्राइड्स फॉर्म होते हैं और नाइट्राइड्स बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए हमें जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी जो सरफेस है, वहाँ पे हमें हार्ड मिलता है। ओके, इससे जुड़े मुद्दे हम देखते हैं। द एटॉमिक नाइट्रोजन डिफ्यूजेस इनटू स्टील सरफेस एंड कंबाइंस विद द अलॉयिंग एलिमेंट्स सच एज क्रोमियम, मॉलिब्डेनियम, वैनेडियम एंड टंगस्टन टू फॉर्म ए हार्ड नाइट्राइड्स। द डेप्थ टू विच नाइट्राइड्स आर फॉर्म इन द स्टील डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द टाइम अलॉट फॉर द रिएक्शन। तो जो नाइट्राइडिंग की जो डेप्थ है, कितने डेप्थ तक वो नाइट्राइड्स रहने चाहिए स्टील के ऊपर, यह डेप्थ डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर और टाइम के ऊपर। ओके, आफ्टर नाइट्राइडिंग द जॉब इज अलाउड टू कूल स्लोली। नाइट्राइडिंग होने के बाद हम धीरे धीरे उस कंपोनेंट को कूल करेंगे। सिंस देयर इज नो क्वेंचिंग इन्वॉल्व, वहां पे हम क्वेंचिंग मतलब फास्ट कूलिंग नहीं करेंगे, जिसके वजह से चांसेस ऑफ क्रैकिंग और डिस्टॉर्शन ऑफ कंपोनेंट इज लेस। वहां पे कंपोनेंट में लेस डिस्टॉर्शन या क्रैकिंग आ सकती है। द डेप्थ ऑफ नाइट्राइड केस रेंजेस फ्रॉम 0.2 से लेकर 0.4 mm। तो जो भी हम हार्डन केस हमें मिलेगा वो 0.2 से लेकर 0.4 mm तक हमें मिलता है। एंड नो मशीनिंग इज डन आफ्टर नाइट्राइडिंग, और नाइट्राइडिंग ये फाइनल प्रोसेस रहेगा, उसके बाद हम किसी भी प्रकार की मशीनिंग उस कंपोनेंट के ऊपर करने वाले नहीं है। नाइट्राइडिंग इंक्रीजेस वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड फटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील। सिंस नाइट्राइडिंग इज डन एट लो टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड मोर टाइम देन द कार्बोराइजिंग, ऑल्सो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज हायर देन द कार्बोराइजिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ नाइट्राइडिंग, तो जो ये नाइट्राइडिंग होता है इसमें वेरी हाई सरफेस हार्डनेस हमें मिलती है,
जैसे कि 1150 VPN जो हार्डनेस का भी एक ये सिंबल है, 1150 VPN तक हम हार्डनेस अचीव कर सकते हैं। नाइट हार्डनिंग को हम क्वेंच नहीं करते हैं तो इसमें मिनिमम क्रैकिंग होती है। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलता है, फटिक्स रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। वेयर एज इन द कार्बोराइज पार्ट हार्डनेस बिगिन्स टू फॉल एट अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्राइडेड पार्ट रिटेन द हार्डनेस अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपनी हार्डनेस को रिटेन करके रखते हैं। नाइट्राइडिंग के बाद कोई भी मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स विच आर नॉट कार्बोराइज सेटिस्फैक्टरी कैन बी नाइट्राइडेड विदाउट डिफिकल्टी, है ना। कोई भी इंट्रीगेट शेप रहे, कोई भी शेप के हम कंपोनेंट को नाइट्राइडिंग कर सकते हैं। प्रोसेस इज वेरी इकोनॉमिकल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स आर हीट ट्रीटेड। जब भी हम ये जो प्रोसेस है ये बहुत इकोनॉमिकल है जब हम इसको मास प्रोडक्शन में यूज करेंगे तब। अबाउट सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्राइडिंग, इसका जो साइकिल टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, 40 से 100 आवर्स तक आपको इसका टाइम लगता है। ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से इसका ऊपरी सरफेस ब्रिटल भी हो सकता है। कुछ ही स्पेशल अलॉयज जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम और वैनेडियम के जो अलॉय स्टील रहेंगी उनको ही हम हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस प्रकार के। तो दीज आर द सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इसे कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ मतलब बहुत कुछ है, जैसे वॉल सीट से, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट से, गाइड से, एरो इंजन सिलेंडर से, गियर से, एयरक्राफ्ट के क्रैंकशाफ्ट है, एयर स्क्रू है, शाफ्ट गेजेस है, क्रैंक पिन्स एंड जर्नल बेरिंग एंड बुशिंग से, बॉल रेसेस, मोल्ड्स फॉर प्लास्टर से। तो दीज आर द टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ नाइट राइडिंग दैट यू मे नो। लास्ट सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखते हैं, दैट इज साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग ये जो है ना कॉम्बिनेशन है कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग का। तो साइनाइडिंग में सबसे पहले सी आता है, सी माने कार्बन और नाइट्राइडिंग का एन मतलब नाइट्रोजन। तो हम साइनाइडिंग में क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को भी डिफ्यूज करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टील, सो दैट नाइट्राइड भी वहां पे फॉर्म होते हैं, कार्बाइड्स भी फॉर्म होते हैं और उनकी वजह से स्टील का जो ऊपरी सर्फेस है जो लेयर है वो हार्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं साइनाइडिंग की प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो सिमिलर टू द कार्बोनाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग आल्सो इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ इन टू द सर्फेस ऑफ स्टील, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिक्विड कार्बोनाइट्राइडिंग। इसका दूसरा नाम है लिक्विड कार्बोनाइट्राइडिंग। द कंपोनेंट आर हीटेड टू ए टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ मोल्टन साइनाइड बाथ कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट थे ये हमारा कार्बोराइजिंग मिक्सचर का पार्ट है और सोडियम नाइट्राइड ये हमारा नाइट्राइडिंग का हिस्सा है। तो इसका जो है मोल्टन साइनाइड के अंदर इसको हम रख देते हैं बराबर है, उसको फिर 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं और ये जाके स्टील के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी और वही हमें चाहिए। आफ्टर अलाइंग द कंपोनेंट इन द बाथ फॉर 15 टू 20 मिनट्स दे आर क्वेंच इन ऑयल और वाटर। उसके बाद हम उसको 15 से 20 मिनट तक क्वेंचिंग करते हैं और किसमें करते हैं वो ऑयल और वाटर में। साइनाइडिंग इज नॉर्मली यूज फॉर ए लो कार्बन स्टील एंड डेप्थ ऑफ केस आर वेरी लेस देन 0.2 mm। इसमें जो डेप्थ है कितने डेप्थ तक सरफेस के अंदर तक, तो 0.25 mm तक हम इसको डेप्थ तक हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। प्रोड्यूसेस हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस, जो भी स्टील मिलेगी हमें वो बहुत हार्ड रहेगी, वियर रेजिस्टेंस रहेगी। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म टाइम साइकिल द प्रोसेस इज वाइडली यूज फॉर द मशीन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू मॉडरेट वियर एंड सर्विस लोड। जैसे कुछ काम करते हुए है ना मशीन के कंपोनेंट्स खराब हो गए, उसका वेयर एंड टेयर हो गया, तो जो मशीन के पार्ट्स हैं उनको हम ये काफी क्विक प्रोसेस होने के नाते हम उसका वेयर एंड टीयर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। द प्रोसेस इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर स्क्रू, स्मॉल गियर्स, नट एंड बोल्ट। नट बोल्ट स्क्रू स्मॉल गियर्स के लिए हम साइनाइडिन नाम की प्रोसेस करते हैं। चलिए ये देखते हैं तो साइनाइडिन के क्या क्या एडवांटेजेस है। ब्राइट फिनिश ऑफ पार्ट्स कैन बी रिटेन, क्रैक एंड डिस्टॉर्शन कैन बी मिनिमाइज, यूनिफॉर्म हीटिंग मेंटेन बाय द साल्ट, मोस्ट सुटेबल फॉर द पार्ट सब्जेक्टेड टू द हाई लोड्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, रिस्क ऑफ स्प्लैटरिंग एंड ऑफ पॉइजनस साल्ट, है ना, साइनेट होने के कारण वो थोड़ा पॉइजनस होता है।
अनहेल्दी फ्यूम्स फॉर्म होते हैं, रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग ऑफ ऑपरेशंस, एंड अनहेल्दी मतलब पॉइजनियस, वहाँ पे कुछ फ्यूम्स फॉर्म होंगे जिसके वजह से जो वर्कर है उनको थोड़ा हजार्डस हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है वो। लेस सरफेस हार्डनेस एज कम्पेयर टू लिक्विड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग से इसमें हार्डनेस कम मिलती है। इसके कुछ एप्लीकेशन है जैसे स्क्रू, नट एंड बोल्ट एंड स्मॉल गियर्स। दीज आर द यूनिट आउटकम अचीव्ड, दैट इज एक्सप्लेन विथ नीड्स कुचेस, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गिवन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, सजेस्ट द रिलेवेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर द गिवन सिचुएशन विद अ जस्टिफिकेशन। लेट अस रिव्यू द टूडेज लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट कार्बोराइजिंग प्रोसेस, नाइट्राइडिंग प्रोसेस एंड साइनाइडिंग प्रोसेस। दीज आर द प्रोग्राम आउटकम दैट वी हैव अचीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। These are the most likely question asked in MSBT, that is describe pack carburizing, liquid carburizing, gas carburizing, nitriding and cyaniding. Thank you very much guys. In next lecture, we are going to learn about box and muffle furnace. So thank you very much. You hastey rahiye, muskurate rahiye aur padhte rahiye. Stay home, stay safe.